तो इन्होंने जी भाई ने जो सेल ली है ना, ये इसका पहला वाला बल्ला है जर्मन का। इसका आप हैंडल देख सकते हैं यहाँ से, फुल कैन इन्होंने बैठाया हुआ है, और इसको इसके ऊपर चढ़ के भी देख लेते हैं। 90 किलो का तो नहीं हूँ मैं, लेकिन नीचे हो जाएगा। इसकी आपको स्टैंड करके दिखा देता हूँ मैं बेट को। मेरे ख्याल से गुड बैट है इस रेंज के अंदर। अगर आप जाएंगे ढूंढने तो आपको मुश्किल है कि मिल जाए। बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही होगा कि आपको आपने खरीदना है कि नहीं। दूसरा इन्होंने बताया था साकी का ये वाला एडिशन इन्होंने बताया था। इसकी मुख्तलिफ प्राइजेस होती हैं हर शॉप पे। उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कि भाई हम इतने में ही बल्ला देंगे। तो ये क्योंकि सेल है, तो अकॉर्डिंग टू वसीम भाई ये आपको सेल के तौर पर 1000 रुपये के अंदर ही आपको मिल रहा है। तो इसमें क्या इस पैसे मुझे तो ये काफ़ी हल्का लगा, और इसका हैंडल खाली मुझे थोड़ा मोटा लगा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर आपको मोटा हैंडल अच्छा लगता है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी इसकी ब्लेड थोड़ी सी कम है मेरे ख्याल से बनिस्बत जर्मन के। तो एक और साकी इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था, इसका है होगा तो ये भी कलर ही, लेकिन इन्होंने कहा है कि लकड़ी रावला कोट की लकड़ी है। तो रावला कोट की लकड़ी वाले बेट तो वैसे ही बेस्ट होते हैं। लाइक आप लोगों इफ यू नो अबाउट द बाबा स्पोर्ट्स, वो भी रावला कोट में ही डील करते हैं, उनके बेट भी ज़बरदस्त होते हैं। तो आप लकड़ी पर अगर खेलते हैं और आपको रावला कोट के बेट अच्छे लगते हैं तो ये डील आपके लिए काफ़ी मुनफरद रहेगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको सेल्स दिखाई 2024 की जो इन्होंने ये जो लेकर आए थे। तो इसमें सेल्स से फ़ायदा उठाएं। तो फिर मैं यही कहूँगा कि फाइनल डिसीजन आपका होगा। मेरा काम होता है मैं बल्ले की प्रोफाइल वगैरह आपको दिखाऊँ, बैट वगैरह दिखाऊँ कि वो बैट कितने अच्छे हैं या नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपने भाई सिकंदर उमर को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।